क्वेश्चन नंबर वन का मैंने फर्स्ट पार्ट लिख दिया है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी हमें फैक्टराइज करना है। अब ये कंफर्म है कि आपको आइडेंटिटी तो यूज करनी ही पड़ेगी इसके अंदर। जरा ध्यान से देखो, x + 3 x + 3 तो क्या लिख सकता हूँ उसको मैं, ध्यान से देखिए ना, इसको मैं लिख सकता हूँ x + 3 का होल स्क्वायर। भाई दो बार लिखा है x + 3 तो मैंने लिख दिया x + 3 का होल स्क्वायर। अब इससे जुड़ी कौन सी एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी है, तो ध्यान से देखिए, a + b का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² और +2ab। ध्यान से देखो, a + b का होल स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर। तो यहां पर a किसको डिनोट कर रहा है, a डिनोट कर रहा है x को, और b किसको डिनोट कर रहा है, b डिनोट कर रहा है आपके 3 को। अब आपको ध्यान इस चीज पर रखना है, जरा आइडेंटिटी को थोड़ा ध्यान से देखें, ये इसका LHS, ये इसका RHS, चेक करो जो आपका क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी के LHS जैसा दिख रहा है या RHS जैसा। अगर LHS जैसा दिख रहा है तो वैल्यू RHS में डाल दो, और अगर RHS जैसा दिख रहा है तो वैल्यू LHS में डाल दो। तो चेक करो, a + b का होल स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर, हाँ क्वेश्चन तो इसके LHS जैसा है, तो पक्की बात वैल्यू RHS में डालनी पड़ेगी। तो डालिए जरा, a² a कितना है x, x² प्लस b² b कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × x × 3, मतलब जहां जहां a लिखा है वहां मैंने x डाल दिया, और जहां जहां b लिखा है वहां मैंने 3 डाल दिया। अब आगे सॉल्व करिए, ये हो गया x² 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 9 प्लस 2 × 3 6, और आंसर इज 6x। ये लीजिए पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिख दिया है, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही, देखो ध्यान से, 2y + 5 2y + 5, तो क्या लिख दूं उसको डायरेक्टली, मैं इसको मैं लिख सकता हूं 2y + 5 का होल स्क्वायर। भाई दो है ना, तो होल स्क्वायर लिख दिया। अब एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी चेक करो, तो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लिखिए a² + b² + 2ab, जिसमें a किसको डिनोट कर रहा है, a किसको डिनोट कर रहा है 2y को, और b किसको डिनोट कर रहा है 5 को। अब चेक करो, क्वेश्चन आइडेंटिटी का LHS वाला पार्ट है या RHS वाला, तो ऑब्वियस सी बात है वो LHS से मैच कर रहा है, आप RHS में वैल्यू डाल दो। तो डालो जरा a² a कितना है 2y, तो 2y का होल स्क्वायर, बिल्कुल इसी तरह से होल स्क्वायर लगाइएगा, ब्रैकेट लगाइएगा जैसे मैं लगा रहा हूं, प्लस b² 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 सिंगल टर्म है तो ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2y दो टर्म्स है यहां पर एक साथ, तो ब्रैकेट मस्ट हो जाता है, ठीक है, प्लस 2 × a × b, a is 2y b is 5। चलिए अब 2y का होल स्क्वायर मतलब 2 पे भी स्क्वायर है, y पे भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 4, y का स्क्वायर इज y² प्लस 5 का स्क्वायर 25, यहां चेक करो 2 × 2 = 4 4 × 5 = 20 20y, ये लीजिए हो गया क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लिख दिया, 2a - 7 2a - 7, पीछे दोनों वाले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में a + b का होल स्क्वायर लग रहा था, और यहां क्या हो गया चेक करते हैं ना पहले, 2a - 7 2a - 7 2a - 7, तो पहले में से क्या लिख दूं, सबसे पहले तो मैं लिख दूं इसे 2a - 7 का होल स्क्वायर। अब इससे यूज होने वाली आइडेंटिटी पक्की बात है a - b का होल स्क्वायर, लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में पहले से उसने a यूज कर रखा है, तो आप अपनी आइडेंटिटी में a यूज नहीं करना, वेरिएबल चेंज कर दो। तो a - b का होल स्क्वायर बोलने से बढ़िया मैं से बोल देता हूं x - y का होल स्क्वायर, ये लीजिए x - y का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या हो गई, x² + y² - 2xy। मान लीजिए अगर a - b का होल स्क्वायर लिखा होता तो क्या लिखता, a² + b² - 2ab, क्योंकि क्वेश्चन में a यूज हो रखा है, इसलिए आइडेंटिटी में मैं वो लेटर यूज नहीं करूंगा, तो आइडेंटिटी के लेटर मैंने चेंज कर दिए। ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में भी नियम अप्लाई होता है, अगर मैं a और b यूज कर रहा हूं तो पक्की बात है क्वेश्चन में कहीं पर भी a और b नहीं होना चाहिए, अगर मैं x और y यूज कर रहा हूं तो क्वेश्चन में कहीं xy नहीं होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है a और b या x और y यूज कर सकते हो, आप p + q का होल स्क्वायर लिख सकते हो, p - q का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ये आपका चॉइस है, ठीक है, वेरिएबल को सही से चुनिएगा। अब x किसको डिनोट कर रहा है, x डिनोट कर रहा है आपके 2a को, और y किसको डिनोट कर रहा है 7 को। अब जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी का LHS वाला पार्ट है या RHS वाला, तो बिल्कुल देखो LHS से मैच हो रहा है, आप वैल्यू
आर एच एस में डाल दो, तो डालिए एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस का 2 x into y. Now what is y? x. x is 2a. y. y is 7. बिल्कुल जैसे RHS लिखा हुआ है, मैंने exactly RHS value put कर दिया है. अब जरा 2a का whole square. 2 पे भी square है, a पे भी square है. 2 का square हो गया 4 और a का square is a square. Plus 7 7 जा 49. Minus 2 2 जा 4. 4 7 जा 28 a. आगे कुछ नहीं कर सकते. क्योंकि आरएचएस में जो डालने पर यही आपका आंसर आएगा. फिनिश हो गया पार्ट. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट. 3a - 1/2 बिल्कुल सेम लिखा है ना, तो क्या हो गया? सबसे पहले क्वेश्चन को सही से चेंज करता हूं. 3a - y का होल स्क्वायर. अब आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? x - y का होल स्क्वायर. a - b का होल स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहा? देखो क्वेश्चन में a मौजूद है ना, तो इस लेटर को यूज नहीं करूंगा, लेटर चेंज कर देते हैं. ठीक है, तो आइडेंटिटी कौन सी लगाई? x - y का होल स्क्वायर. और एंटिटी होती क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy. अब x किसको डिनोट कर रहा है? 3 को डिनोट कर रहा है, ये लीजिए. y किसको डिनोट कर रहा है? हाफ को डिनोट कर रहा है, तो y की वैल्यू हो गई हाफ. अब क्वेश्चन आपके LHS जैसा है या RHS जैसा? पक्की बात है यार, दो टर्म ही तो है, स्क्वायर लग रहा है, दो टर्म है स्क्वायर लग रहा है, पक्की बात है LHS जैसा है. RHS में डालो, RHS मतलब एक्स स्क्वायर 3a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 2x 3a y हाफ. ठीक, अगला स्टेप देखो. 3a का होल स्क्वायर, 3 पे भी स्क्वायर, a पे भी स्क्वायर, 9a स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर मतलब 1/2 × 1/2 कितना हो गया? 1/4 माइनस, चेक करो ये 2 से 2 चला गया, कितना बचा? 3a बचा. ये लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट लिख दिया है. अब आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज हो गई. देखो कैसे, a माइनस बी ए प्लस बी. अभी तक हमने कौन कौन सी आइडेंटिटी पढ़ ली? a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ लिया. तीसरी आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी. एंड व्हाट इज a प्लस बी इनटू a माइनस बी? आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर. अब a किसको डिनोट कर रहा है? a डिनोट कर रहा है 1.1 n को. और b किसको डिनोट कर रहा है? b डिनोट कर रहा है 0.4 को. ये आप यहां से भी चेक कर सकते हो, सेम वैल्यू जी आएगी. अब क्वेश्चन हमारे एंटिटी का LHS है या RHS, चेक करो. a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी. तो क्वेश्चन हमारा LHS को मैच कर रहा है, आप RHS में डाल दो. RHS में क्या लिखा है? a स्क्वायर 1.1 m का होल स्क्वायर. भाई a क्या है? 1.1 m ही तो है, होल स्क्वायर कर दिया. माइनस b स्क्वायर, b कितना है? 0.4 का होल स्क्वायर. अगला स्टेप 1.1 का भी स्क्वायर और m का भी स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर लो 1.1 को इनटू 1.1 से, तो 1.21 आएगा m स्क्वायर एज इट इज माइनस, तो 0.4 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 0.16 आएगा. आप चाहो तो 0.4 इनटू 0.4 करके देख लो, आपका आंसर मैच हो जाएगा. क्वेश्चन फिनिश हुआ. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सिक्स पार्ट लिख दिया है. जिस तरह से क्वेश्चन लिखा है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. अब मैं इसको थोड़ा सही से रीअरेंज करके दिखाता हूं. ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा. ठीक है, इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो मैंने लिख दिया b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहां से कोई फर्क पड़ा ही नहीं क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये तो एक ही चीज होता है. लेकिन यहां देखो ध्यान से, मैंने b स्क्वायर को पहले का पॉजिटिव वाले को और a स्क्वायर को बाद में लिखा. और देखो इससे मैंने फायदा क्या किया अपने लिए, देखो x प्लस y इंटू x माइनस y, चेक कर लो दोनों टर्म एक जैसे हैं, बस बीच में साइन का अंतर है. तो आइडेंटिटी भी देखो दोनों टर्म एक जैसे हैं, बीच में साइन का अंतर है. पिछले क्वेश्चन में यही आइडेंटिटी लगाई थी, बस वहां मैंने a और b यूज किया था, यहाँ x और y यूज कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि जो लेटर हमारे क्वेश्चन में होता है हम उस लेटर को अपनी आइडेंटिटी में यूज नहीं करते. तो x प्लस y इंटू x माइनस y क्या आइडेंटिटी हो गई? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. x इसको डिनोट कर रहा है, x डिनोट कर रहा है b स्क्वायर को. y किसको डिनोट कर रहा है? y डिनोट कर रहा है a स्क्वायर को. अब जो हमारा क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी के LHS जैसा दिखाई दे रहा है, तो अब RHS वैल्यू डाल दो. ठीक है, RHS x स्क्वायर, x कितना है? b स्क्वायर, उस पर भी आपको एक स्क्वायर लगाना है. माइनस y स्क्वायर, y कितना है? a स्क्वायर, और उस पर भी एक स्क्वायर लगाना है. तो आंसर कितना आया? b की पावर 4 माइनस a की पावर 4. इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लोगे तो आइडेंटिटी को पहचानना
और उसको सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का सेवन पार्ट ये भी देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब दोनों लेटर एक जैसे हैं, बस बीच में साइन का अंतर है। एक चीज का ध्यान रखना, माइनस वाला पहले हो या प्लस वाला, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइडेंटिटी चेक करो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a और b क्यों यूज करो आइडेंटिटी में, क्योंकि देखो क्वेश्चन में x यूज कर रखा है, तो x तो यूज नहीं कर सकता, लेटर को चेंज करना ही पड़ेगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बिल्कुल पीछे वाली आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस का भी स्क्वायर। a किसको डिनोट कर रहा है, a डिनोट कर रहा है 6x को, और b किसको डिनोट कर रहा है, b डिनोट कर रहा है 7 को। अब जो मेरा क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी के LHS जैसा दिख रहा है, मैं वैल्यू RHS में डाल देता हूं। अब RHS में a स्क्वायर, a कितना है 6x, तो 6x का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो 6 का स्क्वायर इज 36, x स्क्वायर एज इट इज माइनस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज 49। ये लीजिए आ गया आंसर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का एट पार्ट लिख दिया। इस क्वेश्चन को रीअरेंज करना जरूरी है, मैं तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन अभी आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगा। तो जब तक आप थोड़ा सा क्वेश्चन को रीअरेंज करना नहीं सीखोगे, आइडेंटिटी जैसा नहीं बनाओगे, तो उसको पहचानना कि आइडेंटिटी कौन सी लग रही है थोड़ा मुश्किल है। देखो कैसे, मैं इसको माइनस ए प्लस सी की जगह देखो क्या लिख देता हूँ, सी माइनस ए। अभी भी देखो सी प्लस का ही है, ए माइनस का ही है, यहाँ पर बिल्कुल सेम C माइनस है। लेकिन देखो आइडेंटिटी पहचानना बहुत आसान है, वो कैसे देखो, x माइनस वाई, x माइनस वाई, एंड व्हाट इज x माइनस वाई इनटू x माइनस वाई, डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। वो कैसे देखो, c माइनस है इनटू c माइनस है, तो कितना लिख दूंगा इसको मैं, c माइनस है का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी कौन सी लग गई, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और आइडेंटिटी क्या होती है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2xy, जिसमें x इसको डिनोट कर रहा है, x डिनोट कर रहा है c को, और y किसको डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है a को। अब जो मेरा क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी के LHS जैसा है, डालिए RHS में वैल्यू, तो x का स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो प्लस y मतलब a का स्क्वायर माइनस का 2xy, तो माइनस का 2 * c * a। तो फाइनल आंसर कितना आया, देखो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ac, बस फिनिश हो गया। ध्यान रखना अगर थोड़ा रीअरेंज करना सीख जाओगे तो आइडेंटिटी पहचानना और सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का 9 पार्ट काफी आसान है, देखो बिल्कुल सेम टर्म्स ही तो लिखे हैं, साइन भी सेम है, तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख दूं, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही हो गया बिल्कुल, x / 2 + 3x / 4 का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी कौन सी लग गई, a + b का होल स्क्वायर, तो लगाइए आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a किसको डिनोट कर रहा है, a डिनोट कर रहा है x / 2 को, और b किसको डिनोट कर रहा है, b डिनोट कर रहा है 3x / 4 को। मेरा क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी के LHS जैसा दिखाई दे रहा है, तो वैल्यू RHS में डाल देता हूं। चलिए a स्क्वायर मतलब x / 2 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3x / 4 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 * a इंटू b, ठीक है, बस अब सॉल्व करना है। अब x / 2 का होल स्क्वायर का मतलब है x पे भी स्क्वायर है, 2 पे भी स्क्वायर है, तो x स्क्वायर / 4 प्लस 3 पे भी स्क्वायर है, x पे भी स्क्वायर है, और 4 पे भी स्क्वायर है, तो ये हो गया 9 x स्क्वायर / 16 प्लस ये 2 से 2 चला गया और कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो कितना आ गया 3 / 4 x स्क्वायर। देखो 3 / 4 x * x स्क्वायर, फिनिश हो गया क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 10 बिल्कुल सेम साइन लिखा है, दोनों टर्म सेम है और बीच का साइन भी सेम है, तो इसको मैं क्या लिख दूं, 7a - 9b का होल स्क्वायर। भाई 7a - 9b * 7a - 9b क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, ठीक है, बस आइडेंटिटी क्या लगा दें, x - y का होल स्क्वायर, x - y का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या होती है, x स्क्वायर + y स्क्वायर - का 2xy। अब x और y किसको डिनोट कर रहा है, x डिनोट कर रहा है भाई पूरे 7a को, और y किसको डिनोट कर रहा है, y डिनोट कर रहा है पूरे 9b को, मतलब sin से पहले x, sin से पहले 7a, sin के बाद y, sin के बाद 9b, बस हो गया काम, डाल दो अपने LHS में, क्यों, क्वेश्चन आपके आइडेंटिटी का LHS जैसा दिख रहा है, तो डालिए। तो x स्क्वायर, तो x मतलब 7a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब 9b का होल स्क्वायर माइनस का 2
into x into y. So what is your x? X is 7a, ये लिखिए 7a, into y into 9b. सॉल्व करिए, ये हो गया 49 a square. क्यों? 7 का square 49 a square, as it is आ गया. 9 का square 81 b square, as it is आ गया. Minus 2 7 था 14 और 14 को 9 से multiply कर लेते हैं. 9 4 36 3 9 10 11 12 126 वो minus का 126 a b. ये लीजिए, हो गया question one finish. अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्सक्यूलीस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए.